अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकार और आप देख रहे हैं वकार बर्ड। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ दिनों पहले एक बॉक्स का ऑर्डर दिया हुआ था और अपनी मर्ज़ी से बनवा रहा था, और जो उसकी लकड़ी है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से लगवा रहा था। यानी कि आप ये कह लो कि जो अमूमन हम लोग जो नॉर्मली बॉक्स यूज़ करते हैं वो होती है तकरीबन, आप ये कह लो प्लाई वगैरह के अंदर बनी होती है, और कुछ टाइम के बाद वो की शेप ना आउट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो मैंने बनवाए हैं वो बनवाए हैं कीकर में, और कीकर में ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है, अपनी शेप वगैरह तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अभी तक मैंने किसी के पास ये वाले बॉक्स देखे भी नहीं हैं, तो मुझे नहीं आइडिया कि फिंच वगैरह इस लकड़ी के अंदर बिल्ड करती है या नहीं करती, वो भी देखना पड़ेगा, एडजस्ट होती है नहीं होती। फ़िलहाल जो वो बॉक्स बन के आ चुके हैं, मैं आपको उनकी क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ और दिखाता हूँ कि वो कितने ज़बरदस्त बने हैं बॉक्स। जी दोस्तों, ये है वो बॉक्स जो मैंने बनवाया है। अगर मैं इसका वेट की बात करूँ, ये नॉर्मल बॉक्स तकरीबन 3 गुना वज़नी बॉक्स है, और इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 6x6 का बॉक्स है। फ्रंट आप इसका देख सकते हैं, फ्रंट मैंने इस तरह का बनवाया हुआ है। अमूमन ह्यूमिडिटी वगैरह का इशू भी रहता है, तो इसके लिए होल वगैरह मैंने ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं, तो मुझे ये ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक साइड भी मैंने होल करवा दिए हैं ताकि मुझे ह्यूमिडिटी का कोई भी इशू ना रहे इस बॉक्स के अंदर। फिलहाल ये जो 3 बॉक्स हैं नए के नए, इनको मैं यूज़ करूँगा। इस जो मेरे पास लास्ट केज बचा हुआ है जिसके अंदर मैंने बेंगलाई को अभी शिफ्ट करना है, तो इसको मैं लगा के देखूँगा और इसका रिज़ल्ट भी देखूँगा कि क्या बनता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 बॉक्स लग जाएंगे और इसमें बर्ड वगैरह मैं शिफ्ट कर दूँगा तो मेरे पास अभी इसके अलावा कोई और केज रिमेनिंग नहीं बचेगा। वो भी मैंने ऑर्डर किए हैं, वो जैसे ही आएँगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मेरी एवी के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये रहे वो बच्चे जिनको मैं शिफ्ट करूंगा। फिलहाल गोल्डियन को भी मैं इसके अंदर ही रखूंगा, इनको शिफ्ट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं शिफ्ट करूंगा इनको बेंगलाइज वगैरह को इसके अंदर। वो भी शिफ्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी जो नॉर्मल ये देखें आप, जो बॉक्स मैंने पहले बनवाए हुए थे तो इसमें आप ये देखें बिल्कुल ही शेप लूज़ सा, और इसकी कंडीशन वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से भाई सेटअप थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहे, तो इसलिए मैंने लकड़ी वगैरह चेंज की है। तो देखते हैं कि भाई इसका क्या रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल उन बॉक्स को इन जगहों पे लगा के देखते हैं कि ये कैसी ब्रीड करते हैं। चलें बॉक्स लगाते हैं पहले और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। बॉक्स वगैरह भाई लग चुके हैं और अब हम इसके अंदर करेंगे नेस्टिंग, और नेस्टिंग में वही नारियल की ही यूज़ करता हूं। तो अभी तक मैं जितनी भी नेस्टिंग यूज़ करता हुआ आया हूं वो सारी की सारी जो है वो नारियल वाली हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो चूंटियों का इशू है वो नहीं आया, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी मेरे पास नहीं आएगा। चले अब इनको शिफ्ट करते हैं 1x1 करके केज के अंदर। साथ ही साथ मैं इनको दाना भी दे देता हूं भाई। दाना मैं एक ही वीक का बनाता हूं, उससे ज़्यादा नहीं बनाता क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, इसलिए भाई 1 वीक से ऊपर का दाना नहीं बनाता। दूसरा ये है कि दाना गंदा भी नहीं होता। भाई मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से मैंने इसके अंदर शिफ्ट किए हैं। फ़िलहाल बाकी भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बचे हुए हैं बेंगलाई, उनको बाद में शिफ्ट करेंगे। फ़िलहाल ये वाले 2 मैंने जो बड़े मुझे लग रहे थे उनको शिफ्ट किया, और साथ ही साथ ये है 2 हैं। अच्छा, इनका कंफर्म नहीं है मुझे मेल या फीमेल अभी तक, और बाकी जो लास्ट टाइम मैंने शिफ्ट किए थे उनके बारे में मैं बता देता हूँ। भाई जो पहला वाला केज था उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये पैर साबित हुआ, उन्होंने एग लाइन तक कर दी हुई है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। और साथ ही साथ अगर मैं ये तीसरे वाले केज की बात करूँ तो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग लाइन स्टार्ट कर दी है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। बाकी जो सेंटर वाला है उसका तो मुझे कंफर्म था क्योंकि दोनों के दोनों मेल थे, और आप अभी भी देख सकते हैं माशाल्लाह अभी तक वो सिंगिंग करने पे लगा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे केज मेरे पास फिल हो चुके हैं, वो भी नए केज का ऑर्डर दिया हुआ है, तो जैसे ही वो आएंगे उसकी भी मैं अपडेट आप लोगों को बताऊँगा। बाकी तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।